हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो प्राइवेट BAMS कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस है और कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या कट ऑफ है, कैसे एडमिशन मिलेगा, पूरे प्रोसेस के बारे में। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल एंट्रेंस वाला पर कंप्लीट आपको काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट्स, कॉलेज वाइज कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ, पूरा एडमिशन का प्रोसेस बताया जाता है और उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसमें जस्ट 1200 रुपीज़ में आप पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस ले सकते हैं, फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक, जब तक आपको कॉलेज मिलता है। ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी, सेमी गवर्नमेंट के लिए भी, डीम्ड के लिए भी और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। चाहे आप MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BOMS किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो पूरा आपको अपडेट यहाँ पर मिलते हैं। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, गाइडेंस का 1200 रुपीज़ है, 3000 में पूरा काउंसलिंग कराया जाता है जिसमें फॉर्म भी हमारी टीम ही भरती है। तो जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग का जो ग्रुप है उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। बाकी जो लोग काउंसलिंग करना जानते हैं वो पूरा यहाँ से जो वीडियोज़ हम डालेंगे उसके थ्रू करा सकते हैं, जिनको कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन स्पेशली है और जिनको नहीं है कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो उनके लिए बेहतर होगा वो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए नीट 2024 के लिए जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं, तो जो पहले रिजल्ट आया था वही सेम री रिज़ल्ट के बाद भी कट ऑफ रही है, यानी जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। ओवरऑल जो अगर रेंज की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिला है, 30-40 ऑल इंडिया रैंक का ही फ़र्क ऊपर नीचे आया है, बहुत ज़्यादा फर्क कोई देखने को नहीं मिला और उसकी वजह से जो कट ऑफ स्कोर है वो बिल्कुल सेम रहा है। तो ओवरऑल क्या कट ऑफ रही है, यानी क्या मार्क्स रहे हैं क्वालिफाइंग, जिससे आप एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी अगर इतना मार्क्स आपका है तो आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें आपको ये भी देखना होगा किस स्टेट में कॉलेज मिल सकते हैं, किस में नहीं मिल सकते हैं, ये सब अगर जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए पेड ज्वाइन कर लेंगे, हम पूरा आपको बता देंगे किस स्टेट में मिल सकता है। क्योंकि जो कुछ स्टेट है वहाँ पर जो कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, तो इन सब स्टेट में थोड़ी कट ऑफ हाई रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके स्कोर कम है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे स्टेट्स में मूव कर जाएं जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, जैसे MP हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, इन सारे स्टेट में तो कट ऑफ थोड़ी लो रहती है, तो यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात की जाए, अनरिजर्व DWS के लिए 164, इससे ऊपर अगर या इतने मार्क्स हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। इससे अगर कम आपके मार्क्स हैं तो अभी वेट करें, मोस्टली थर्ड राउंड या उसके बाद जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ को घटाया जाता है 5% रिड्यूस करके, तो उसके बाद थोड़े कम मार्क्स भी आपके यहाँ तो एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको लास्ट तक जो है चैनल पर बना रहना होगा, जैसे कोई अपडेट आएगा हम वीडियो के थ्रू बता देंगे। OBC SC ST के लिए 129, अनरिजर्व DWS PWD है तो 146, OBC SC ST PWD है तो 129, ये तो हो गए मार्क्स। उसके बाद ओवरऑल 12th की क्या कट ऑफ मांगते हैं, यानी 12th में कितने मार्क्स मांगते हैं, तो आपके 50% से ऊपर होने चाहिए जनरल DWS से बिलोंग करते हैं तो, या फिर आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में 45% होने चाहिए, ठीक है। और अगर PWD भी हैं कैटेगरी के साथ तो आपके 40% मार्क्स पर भी 12th में चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात। फिर उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसके बारे में नहीं पता है। तो अगर आप प्राइवेट BAMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है लास्ट तक, मैं सोचा इसको स्पेशली बता देता हूँ। अगर आपको जिस भी स्टेट में कॉलेज लेना है तो आपको उस स्टेट की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी आपको स्टेट आयुष में पार्टिसिपेट करना है। ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और डीम्ड कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन होता है। बाकी अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करना होगा। कौन से स्टेट में पार्टिसिपेट करना होगा, जिस भी स्टेट का वो कॉलेज है, फॉर एग्जांपल यूपी का कोई कॉलेज है तो आपको यूपी आयुष में पार्टिसिपेट करना है, एमपी का कोई कॉलेज है एमपी आयुष में करना है, उत्तराखंड का कॉलेज है उत्तराखंड आयुष में पार्टिसिपेट करना है, महाराष्ट्र का कॉलेज है महाराष्ट्र आयुष में पार्टिसिपेट करना है। इस तरह से जिस स्टेट में वो कॉलेज है उस स्टेट की आयुष काउंसिल में पार्टिसिपेट करना है आपको। फिर उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन की जो एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह रहेंगी स्टेट आयुष काउंसलिंग को मान के चल सकते हैं 1st week of August में स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में आपको मेन ध्यान रखना होता है प्राइवेट कॉलेजेस में के जो कॉलेजेस को किस ऑर्डर में रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी
यही चीज़ होती है चॉइस फिलिंग, आप किस तरीके से करते हैं। जैसे अगर आपने कोई गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो आपको कोई गलत कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो सकती है। जैसे यूपी के अंदर आपको किसी भी राउंड में कॉलेज मिल गया, फर्स्ट राउंड में भी आपको कॉलेज मिला, तो आपके पास छोड़ने कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन अगर नहीं लेते तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है 50,000 वो जब्त कर ली जाएगी। तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं जानना काउंसलिंग करने से पहले। आपको इन सब के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो है पीरियड ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस ऑर्डर में करनी है। क्योंकि कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको परमिशन नहीं मिली होती है, वो पहले से कह रहे होते हैं कि हमारे कॉलेज को रख दो, हमारे को रख दो। तो आपको सबसे पहले उन्हीं कॉलेजेस को लिस्ट में रखना है जिनको परमिशन मिल चुकी है। अब ये परमिशन वाली लिस्ट कैसे मिलेगी, तो ये सब हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे, किन किन कॉलेज को परमिशन मिल गई है, किन को नहीं मिली है। चॉइस फिल में सिर्फ उन्हीं को रखना है जिनको परमिशन मिल चुकी है। उसके साथ ही आपको जो भी कॉलेज रख रहे हैं उसकी फीस वगैरह देख लेनी है, उसमें फीस कितनी है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, यानी जो गवर्नमेंट ने निर्धारित फीस करी है उसके अलावा 50,000, 60,000, 1,00,000 तक भी चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं। तो आपको ये सब पहले जान लेना है कि किस कॉलेजेस में फीस है एक्स्ट्रा, किस किस में नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे यूपी के अंदर ये बहुत सारा खेल चलता है कि बहुत सारे कॉलेजेस एक्स्ट्रा चार्जेस सिक्योरिटी के नाम पर बहुत ज़्यादा लेते हैं फीस के अलावा। तो आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को डालें जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा, यानी जो फीस पर एडमिशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होता है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें जाके आप अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले लेंगे। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको फीस जमा करनी होती है, एक होती है रजिस्ट्रेशन फीस और एक होती है सिक्योरिटी अमाउंट। अलग अलग स्टेट में ये अमाउंट अलग अलग हो सकता है। जैसे यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन 2,000 है और जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 50,000 है प्राइवेट के लिए, ठीक है। ये तो हो गए काउंसलिंग के स्टेप। अब इसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको यूपी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी कितनी फीस है। क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन जाता है सभी स्टूडेंट के लिए जो प्राइवेट बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी यूपी के अंदर अवेलेबल है। तो ये लिस्ट है यूपी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी की, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी की। तो ये गवर्नमेंट तो हो गए 8 आयुर्वेदा वाले बीएमएस की बात की जाए, तो फिर उसके बाद प्राइवेट निजी क्षेत्र का जिनको कहा जाता है। तो इसमें अलग अलग स्टेट में कौन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कॉलेजेस हैं, उसमें कितनी सीट्स हैं, उनकी क्या फीस है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपने कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखने के लिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करें। और अगर आपको कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे काउंसलिंग करते हैं, कैसे कॉलेज को रखना है प्रेफरेंस लिस्ट में, किस ऑर्डर में रखना है, किसको पहले डालना है, किसको बाद में डालना है, तो उसके लिए आप पेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी जो सहूलियत है आपको दी जाएगी। ये कॉलेजेस हैं आप अलग अलग स्टेट के देख सकते हैं, मैं इनको ऊपर कर देता हूँ। काफ़ी कॉलेजेस यूपी के अंदर अवेलेबल हैं। मोस्टली कॉलेजेस की जो फीस है वो 2,04,600 है। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर 2,25,000, कुछ हैं जहाँ पर 2,50,000, 2,75,000 तक भी फीस जा सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी कॉलेज आप ले रहे हैं तो उसमें देख लें फीस कितनी है। यहाँ पर ही आपको साथ में सीट भी दिख जाएंगी किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ से आप देख लें हर कॉलेज की फ़ीस यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है उसके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुए पूरे 77 कॉलेजेस जिनको लास्ट ईयर परमिशन मिली थी। तो टोटल 5,749 सीट जो है प्राइवेट बीएमएस की यूपी के अंदर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, आपकी अगर जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स भी है तब भी आपको जो है कॉलेज बीएमएस का मिल जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है। तो ये हो गया काउंसलिंग का प्रोसेस। के अलावा आपकी कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट बॉक्स बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।